ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्क्रैच कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम फ्लेट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। फ्लेट कमांड का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर फ्लेट या कर्व बनाने में होता है, और फ्लेट कमांड की शॉर्टकट की है F। आप जैसे ही F टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो फ्लेट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। फ्लेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में पांच ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है अंडू, सेकेंड पॉलीलाइन, थर्ड रेडियस, फोर्थ ट्रिम, फिफ्थ मल्टीपल। आज हम इन पांचों ऑप्शन का यूज़ करते हुए फ्लेट बनाएंगे। तो आप मुझे इस रेक्टेंगल पर कुछ इस तरह का शेप बनाना है, और इस तरह का शेप बनाने के लिए हम रेडियस कमांड का यूज़ करेंगे। और हमारे पास यहाँ तीसरा ऑप्शन है रेडियस। रेडियस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको रेडियस का फर्स्ट वर्ड R टाइप करना है, देन इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही रेडियस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें यहाँ कमांड लाइन फ्लेट के रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड लाइन हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट कमांड लाइन हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इतना करते ही फ्लेट बन जाएगा। तो ये थी रेडियस फ्लेट कमांड। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फ्लेट कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट पॉलीलाइन का फर्स्ट वर्ड है पी। आप जैसे ही पी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही इस ऑब्जेक्ट में जितने भी कॉर्नर हैं उन सभी कॉर्नर पर फ्लेट बन जाएगा। तो ये थी पॉलीलाइन कमांड, जिसकी मदद से आप जो भी जॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसके जितने भी कॉर्नर होते हैं उस पर डायरेक्टली आप फ्लेट बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिम। ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से फ्लेट कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट ट्रिम का फर्स्ट वर्ड है टी। आप जैसे ही टी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करते ही आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, ट्रिम नो ट्रिम। अगर आपको फ्लेट के साथ में ये कॉर्नर भी चाहिए तो आपको नो ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपको सिर्फ फ्लेट चाहिए और ये कॉर्नर नहीं तो आपको ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप मुझे फ्लेट और ये कॉर्नर दोनों चाहिए तो मैं नो ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। देन नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही फ्लेट बन जाएगा। तो ये थी ट्रिम फ्लेट कमांड। नेक्स्ट कमांड है मल्टीपल। मल्टीपल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से फ्लेट कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट मल्टीपल का फर्स्ट वर्ड है एम। आप जैसे ही एम टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो मल्टीपल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही फ्लेट बन जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल फ्लेट बना सकते हैं। तो ये थी फ्लेट कमांड और उसकी टाइप, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।